सभी मित्रों को जय जय सियाराम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के कुछ सीख भरे दोहे। राम नाम सुमिरन करे सदगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लहे सुमुक्ति अमान। जो राम का सुमिरन और सदगुरु के चरणों का ध्यान करता है, जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता है और जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करे पावे अबिचल राम। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है, उसे अति उत्तम फल प्राप्त होता है। जो किसी इच्छा या आकांक्षा के बिना प्रभु का स्मरण करता है, उसे आत्म साक्षात्कार का लाभ मिलता है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। सबसे आसान ईश्वर का भजन है, ईश्वर का भजन अत्यंत सुगम है। राम नाम जितना लूटा जाए, हमें अवश्य लूटना चाहिए। मृत्यु के समय राम नाम नहीं ले पाने से अत्यंत दुख होगा। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, अगले राम की जेवरी जीत खेचे तित जाऊं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और नाम मेरा मोती है, मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वे ले जाते हैं। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज हैं। फल करण सेवा करे निस दिन जाचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुन दाम। जो सेवक इच्छा पूर्ति के लिए सेवा करता है, ईश्वर प्रतिदिन उसकी भक्ति की परीक्षा लेता है। कबीर दास जी कहते हैं कि वह सेवक नहीं है, वह तो अपनी सेवा के बदले चार गुना ज्यादा कीमत वसूलना चाहता है। राम रहीमा एक है नाम धराया दोई, कहे कबीर दो नाम सुनी भरम परो मत कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम दिए गए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ये दो नाम सुनकर हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। कबीर दास जी जो थे वो धार्मिक एकता के पक्षधर थे। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, अमोट चून मैदा भया बैठ कबीर जीम। सांप्रदायिक सद्भावना के कारण कबीर के लिए काबा काशी में परिणत हो गया। भेद का मोटा चून या मोट का चून अभेद का मैदा बन गया। कबीर उसी को जीम रहा है। कबीर केवल राम कह शुद्ध गरीबी चाल, क्रूर बराई बुरसी भरी परसी झाल। कबीर दास जी कहते हैं कि गरीब के भांति विनम्र भाव से प्रभु का नाम लो, तुम्हारे सभी सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे। लोग अहंकार में इस उपदेश को नहीं मानते हैं और तीनों ताप से झुलसते रहते हैं। जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घास। जो हृदय में राम को धारण किया, समस्त पापों का समूल नाश हो गया। जैसे कि आग की एक चिंगारी से पुराने सूखे घास
जलकर समाप्त हो जाते हैं तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, हर हर।